हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट स्कीम्स की सीरीज़ में। और यह पार्ट 7 वीडियो है। इसके पहले ऑलरेडी 6 पार्ट्स आ चुके हैं, तो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि यह जो वीडियोस है ये सीक्वेंस में चल रहे हैं। और जो सीक्वेंस हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो इंडेक्स मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ आपको, जो सबसे पहला वीडियो था उसमें। तो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस से इंडेक्स को दिखा दूंगा और बता दूंगा कि हम लोगों ने कहाँ से कहाँ तक कवर कर लिया है अभी तक। तो अभी जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 3 स्कीम्स को कवर करने वाले हैं। जो सबसे पहला स्कीम रहेगा वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रहेगा, जो कि बोला जाता है RKBY रफ्तार। तो ये एक रिजुविनेटेड स्कीम है और ये काफी ज्यादा न्यूज में बना हुआ है हाल में देखा जाए तो यह स्कीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में ही एक सब स्कीम दिया हुआ है, ब्रिंगिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। और उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, वह है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम। और इसके ऊपर ऑलरेडी 2017 में यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ चुका है, तो उस क्वेश्चन को भी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और वो आपका हो सकता है कि वो आपको होमवर्क दे दूं, तो आप इस पर्टिकुलर स्कीम को तो बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आपका होमवर्क भी वही इसी पर्टिकुलर स्कीम पर ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग सबसे पहले जो पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका हम लोग डिस्कशन करते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग स्कीम के डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली 3 स्कीम्स को कवर किया था, तो उनमें से ही 2 स्कीम के ऊपर मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। कमेंट सेक्शन में मेरे ख्याल से कुछ लोगों ने आंसर किया है, तो जिन लोगों ने आंसर किया है उसका मैं आंसर चेक करके आपको बता देता हूं कि क्या आंसर सही होगा। तो यहां पे 2 स्टेटमेंट थे, और पहला स्टेटमेंट था कि इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग स्कीम एम्स टू प्रमोट क्रिएशन ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय प्रोवाइडिंग बैक एंड सब्सिडी सपोर्ट। तो यह जो पर्टिकुलर स्कीम हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, तो उसमें मैंने आपको एकदम क्लियरली समझाया था कि यह एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात कर रहा है और सब्सिडी सपोर्ट देने वाला है। जो भी स्टेट स्टेट के जो भी एजेंसीज होंगे या फिर जो भी प्राइवेट एजेंसीज होंगे, तो उन सारे एजेंसीज को और उन सारे कंपनीज को एक तरह से सब्सिडी सपोर्ट मिलने की बात कही गई थी। तो पहला स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट है नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब यहां पर इन्होंने मिस्टेक कर दिया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम नहीं था, यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था, तो इस कारण से यहीं पर यह जो स्टेटमेंट है गलत हो गया। उसके बाद का अगर आप लाइन देखिएगा कि दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जिसको यहां पे आत्मा बोला गया है, ATMA, तो यह जो पर्टिकुलर पार्ट है यह सही है। पर यहां पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम की जगह पे अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता तो यह पर्टिकुलर स्टेटमेंट जो है यह सही हो जाता। तो इस कारण से हम क्या देख रहे हैं कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, और हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो यह भी पर्टिकुलर ध्यान रखने की जरूरत है। तो इनकरेक्ट कौन सा स्टेटमेंट था, तो दूसरा वाला था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, दैट इज टू ओनली। तो अब हम लोग स्कीम्स के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला जो स्कीम हम लोग करेंगे वो है RKBY रफ्तार स्कीम। तो इस वीडियो का जो सबसे पहला हम लोग कवर करने वाले हैं, जो सबसे पहला स्कीम है, वो है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने रफ्तार बताया है, और बाद में इसको एक तरह से रिजुविनेट किया गया है, तो RKBY रफ्तार के नाम से। तो ये हम लोग डिटेल जो है जब पढ़ेंगे आगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ ऑब्जेक्टिव और सेलेंट फीचर्स दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छा डिवीजन होता है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बताया गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जो कि रफ्तार के नाम से जाना जाता है उसका, कि यह स्ट्रेंथन करेगा फार्मर के एफर्ट्स को। तो कैसे अगर वो सपोर्ट करने वाला है फार्मर्स को, तो बाय क्रिएशन ऑफ प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर है और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की काफी ज्यादा कमी है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी जगहों पर अगर देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं लगा हुआ है, जो कि एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने का काम करता है, और वो एक तरह से आर्ग्यूमेंट भी करता है फार्मर के इनकम को। तो यहाँ पे वही चीज है कि क्रिएशन करेगा एक प्री एंड पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का, और यह और क्या बेनिफिट देने वाला है, तो इससे बेनिफिट ये होगा कि इससे क्वालिटी इनपुट एक तरह से उसका एक्सेस इंक्रीज हो जाएगा, स्टोरेज अच्छा हो जाएगा, मार्केट फैसिलिटीज भी मिलने लगेगी, क्योंकि फार्मर जो है वो अगर जो भी इनपुट देकर और आपको आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो वो कहां बेचेगा, तो मार्केट फैसिलिटीज में ही बेचेगा। तो यह जो पर्टिकुलर मतलब यह जो स्कीम है यह इसका यही काम होगा कि एक तरह से स्ट्रेंथन करेगा फार्मर के एफर्ट को, और इसके अलावा यह हेल्प करेगा फार्मर को इन्फॉर्म चॉइसेस लेने में भी। जैसे अगर मान लेते हैं कि किसी पर्टिकुलर एरिया में अगर देखा जाए तो वहां पे आलू का प्रोडक्शन जो है वो अच्छा हो सकता है, और वहां पे आलू से ही रिलेटेड मार्केट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की गई है, तो इससे होगा क्या कि फार्मर को एक तरह से इन्फॉर्म चॉइस मिल जाएगा कि अगर वहां पे वो आलू प्रोड्यूस करेगा तो वो बेटर रहेगा उसके लिए। तो यहां पे वही है कि इस तरह की चॉइसेस को करने में मदद मिलेगा फार्मर को। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव यहां पे बताया गया है वो बताया गया है कि स्टेट और जो भी मतलब स्टेट जो भी होंगे तो उनको ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलेगा, जिससे वो वैसे प्लान्स और स्कीम्स को इंप्लीमेंट कर पाएंगे जो कि मतलब फार्मर्स या लोकल के नीड्स के हिसाब से होगा। तो यहां पे वही चीज बोली गई है, हमें पता है कि स्टेट्स जो है वो एक तरह से उतने इन्फॉर्म डिसीजन नहीं ले पाते कभी कभी, तो वही है कि यह जो पर्टिकुलर स्कीम है यह हेल्प करेगा स्टेट्स को और उनको ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा। फिर इसके बाद जो तीसरा पॉइंट यहां पे इन्होंने बताया है कि टू प्रमोट वैल्यू चेन एडिशन। तो वैल्यू चेन का हम समझ सकते हैं कि वैल्यू चेन किस तरह से हेल्प करता है,
क्योंकि जो फार्मर जो भी रॉ प्रोड्यूस करता है, मतलब रॉ लेवल पे जो प्रोड्यूस होता है, वो एक तरह से क्रूड फॉर्म में उतना ज्यादा मार्केट में उतना बिकता नहीं है, तो इस कारण से उसमें वैल्यू वैल्यू एड एडिशन करने की जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अगर वो पर्टिकुलरली आलू उगा रहा है, तो जो मतलब बड़े साइज के आलू हैं और जो अच्छे क्वालिटी के आलू हैं उसको सेग्रीगेट किया जा सकता है, उसको साफ सुथरा किया जा सकता है, धोया जा सकता है, तो उससे होगा क्या कि एक तरह से वैल्यू एड एडिशन होगा उस पर्टिकुलर प्रोड्यूस में। तो यही है इस पर्टिकुलर स्कीम में यह भी बोला गया है कि यह एक वैल्यू चैन एडिशन का प्रमोशन करेगा और इससे होगा क्या कि फार्मर का जो इनकम है उसमें इंक्रीज आएगा और साथ के साथ उनकी प्रोडक्टिविटी में भी इंक्रीज होगी। तो यह हो गया तीसरा पॉइंट। इसके बाद जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि इट विल मिटिगेट रिस्क ऑफ फार्मर्स विथ फोकस ऑन एडिशन इनकम जनरेशन एक्टिविटीज। अब आखिर जो भी फार्मर्स है वो तो बहुत ज्यादा गरीब होते हैं, तो हमें जरूरत है कि उनको मतलब एक तरह से इनकम बेनिफिट भी दिया जाए और उनका भी जो भी प्रोडक्शन है उसमें मतलब सपोर्ट किया जाए उनको। तो यहाँ पे वही बोला गया है कि कैसे रिस्क जो फार्मर फेस करते हैं जैसे पैसों की, तो उसमें कैसे एडिशन किया जाएगा उनके इनकम जनरेशन में। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग उनको टेक्निक सिखाई जाएगी, साथ के साथ मशरूम कल्टीवेशन और बी कीपिंग, ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि एडिशनल इनकम आएगा फार्मर के पास और फिर वो जो भी प्रोडक्शन होगा उनका और जो भी इनकम होगा वो उनका बढ़ जाएगा। तो ये हो गया चौथा पॉइंट। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि टू अटेंड नेशनल प्रायोरिटीज थ्रू सेवरल सब स्कीम्स। तो बहुत सारे और भी स्कीम्स हैं जो इस पर्टिकुलर रफ्तार स्कीम में इंक्लूडेड हैं, क्योंकि रफ्तार जो है एक अम्ब्रेला स्कीम है। तो यहाँ पे वही बोला है कि नेशनल प्रायोरिटीज, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस स्कीम से चाहते थे कि 4% जो हो जाए ग्रोथ हो एग्रीकल्चर का, तो यह एक नेशनल प्रायोरिटी हो गई। तो जितने भी सब स्कीम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करके ये इस नेशनल प्रायोरिटी को एक तरह से अटेंड करने की बात कही गई है, तो ये भी इन्होंने ऑब्जेक्टिव में इंक्लूड किया है। इसके बाद जो आखिरी पॉइंट, आखिरी ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि टू एम्पावर यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट। अब स्किल डेवलपमेंट दिया जाएगा जो भी यूथ हो गए, जो यंग फार्मर्स हैं उनको, और उनको इनोवेशन नई चीजें सिखाई जाएंगी और साथ के साथ उनको एक तरह से इनकरेज किया जाएगा कि वो एग्री एंटरप्रेन्योरशिप के फील्ड में आगे बढ़े। तो ये हो गए सारे जो भी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, एक तरह से डिटेल में देखा है। अब हम लोग इसको जो भी साइलेंट फीचर्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो साइलेंट फीचर्स में आप देख सकते हैं कि पहला लाइन हमारे पास सबसे पहले होता था कि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है या सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। तो यहाँ पे उन्होंने आगे उन्होंने डिस्कस किया है, पर मैं आपको अभी यह भी बता देता हूँ कि यह जो पर्टिकुलर स्कीम है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, यह एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा अभी ही, और फिर बाद में फंड एलोकेशन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो सबसे पहला पॉइंट इन्होंने बताया कि यह जो पर्टिकुलर RKVY जो कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, इसका जो इनिशिएशन है 2007 में हुआ था और यह एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि जिसका काम क्या है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर, तो डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे यह बताया है कि यह पर्टिकुलर स्कीम जो 2007 में लॉन्च हुआ था इसको रिवैम्प किया गया है, और रिवैम्प नाम क्या है इसका, तो RKVY रफ्तार। तो यहाँ पे RKVY का तो फुल फॉर्म जानते हैं कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, अब रफ्तार का फुल फॉर्म क्या है, तो रफ्तार का फुल फॉर्म भी याद रखने की जरूरत है, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन फॉर 2017-19 और 2019-20। तो यह याद रखने की जरूरत है। तो रफ्तार क्या हो गया, रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर रिजुविनेशन, ठीक है। अब यहां पे इन्होंने यह भी बताया कि इसका जो टेन्योर है उसको इंक्रीज कर दिया गया है 31 मार्च 2021 तक, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे वही चीज उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव में बताया था कि स्टेट को ऑटोनॉमी और फ्लेक्सिबिलिटी दी जाएगी, तो यहाँ पे वही चीज बताया है कि इस पर्टिकुलर स्कीम के अंतर्गत जो भी स्टेट्स हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी और ऑटोनॉमी प्रोवाइड की जाएगी, जिससे वो प्लानिंग और जो भी प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। इसके अलावा फिर यहाँ पे बोला है कि डिसेंट्रलाइज प्लानिंग फॉर एग्रीकल्चर एंड लाइफ सेक्टर का भी इनिशिएशन इस पर्टिकुलर स्कीम के थ्रू किया जाएगा, और इसको काम मतलब कैसे किया जाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लान या स्टेट एग्रीकल्चर प्लान के थ्रू। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो स्टेट को एक तरह से ऑटोनॉमी देने की बात कही गई है, तो जो भी वो प्लान बनाएगी वो लोकल लेवल पे बनाएगी, तो इसीलिए यहां पे बोला गया कि डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब ही होता है लोकल लेवल की प्लानिंग होगी एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से रिलेटेड, और ये काफी अच्छा मूव है, क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर एरिया में अगर देखा जाए तो मतलब हर एक एरिया जो है वो होमोजेनस तो होता नहीं है, किसी एरिया में हो सकता है कि कोई डिफरेंट क्रॉप उगाया जा सकता है और किसी दूसरे एरिया में कोई डिफरेंट क्रॉप उगाया जा सकता है। तो यही चीज है कि जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर प्लानिंग और स्टेट एग्रीकल्चर प्लान है यह एक तरह से जो मतलब यूज किया जाएगा डिसेंट्रलाइज प्लानिंग में, ये काफी अच्छा मूव है। और इन्होंने बताया है कि जो यह जो प्लान होंगे ये किस पे बेस होंगे, तो यहाँ पे इन्होंने एक तरह से बता दिया है किस तरह से डिफरेंट हो गए वो, तो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस के बेस पर होगा, फिर अवेलेबिलिटी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, फिर नेचुरल प्रायोरिटीज, इन सब लेवल पे एक तरह से जो भी प्लान है उसको डिजाइन किया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे इन्होंने नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में बताया है, तो वो है स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, और यही एक्ट करेगी नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी के द्वारा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट जो बोला है इन्होंने कि इंसेंटिवाइज करेगा यह स्टेट्स को
जिससे वो फंड एलोकेशन ज्यादा अमाउंट में कर सके एग्रीकल्चर और राइट सेक्टर में, और साथ के साथ हेल्प कर सके क्रिएशन में पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो हम मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंपॉर्टेंस बता दिया था कि पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ पे इन्होंने आगे ये भी बताया है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात भी यहाँ पे बोली गई है, जिससे वो फार्म सेक्टर में अक्रॉस द कंट्री एक तरह से इन्वेस्ट करें और प्रमोशन भी मिले इस पर्टिकुलर चीज को, कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो वही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो किस फील्ड में बढ़ेगा, तो वो वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में बढ़ जाएगा। तो ये हो गया नेक्स्ट पॉइंट। इसके अलावा अब आते हैं फंड एलोकेशन वाले पॉइंट पे। तो हम मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे 60-40 का रेशियो है। 60 जो होगा सेंटर पे करेगा और 40% जो है स्टेट का होगा, पर ये जनरल स्टेट के केस में है। और अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट्स के बेसिस पे देखेगा तो 90-10 का रेशियो है, 90 सेंटर देगा और 10% जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिमालयन स्टेट देंगे। इसके अलावा फिर इन्होंने यहाँ पे फंड को ब्रेकअप किया है कि आखिर यह जो फंड एलोकेशन होगा इसका ब्रेकअप कैसे होने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो 70% ऑफ एनुअल आउटले होगा वो रेगुलर आरकेबीवाई रफ्तार को जाएगा, मतलब ये इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट और प्रोडक्शन ग्रोथ के लिए इस्तेमाल होगा। और यह जो 70% अमाउंट है यह एलोकेट किया जाएगा स्टेट को एज अ ग्रांट, ठीक है। और इसमें इसी इस 70% में 20% जो है वो फ्लेक्सी फंड होने वाला है, मतलब उसको किसी भी और भी पर्टिकुलर चीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अब जो दूसरा यहाँ पे 70% तो हो गया, तो बाकी 30% बचता है, तो 30% जो उसमें 30% में से जो 20% है वो आरकेबीवाई रफ्तार स्पेशल सब स्कीम्स ऑफ नेशनल प्रायोरिटीज उसके लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 20% ये हो गया। अब बचा हुआ जो 10% है उसको इनोवेशन एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और ऐसा अगर मान लेते हैं कि ये जो तीसरा वाला 10% है अगर ये फंड जो है यूटिलाइज नहीं होता है तो इसको डाइवर्ट कर दिया जाएगा रेगुलर आरकेबीवाई या सब स्कीम्स में। तो ये हो गया फंड का ब्रेकअप। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर यूटीज द ग्रांट इज 100% एज सेंट्रल शेयर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया था कि हिमालयन स्टेट्स के लिए 10% उनको देना पड़ रहा था, मतलब 100% नहीं था, पर यूटीज के केस में 100% शेयर जो है वो सेंट्रल ही देने वाली है। इसके बाद हमने ऑलरेडी ऊपर देख लिया कि रफ्तार जो है आरकेबीवाई रफ्तार जो है ये एक अम्ब्रेला स्कीम है, तो इसके अंदर सब स्कीम्स भी कुछ एक इंक्लूड हुए होंगे, तो अब उस सब स्कीम्स को देखते हैं। तो सबसे पहली जो सब स्कीम है वो है ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। तो इसको ये जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे, तो यहाँ पे डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट जो स्कीम है वो है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम, जिसको स्मॉल में CDP बोला गया है। तो इसका काम क्या होगा, तो यह बेसिकली ओरिजिनल ग्रीन रेवोल्यूशन स्टेट्स जो है जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश हो गया, तो इन सारे एरियाज में एक तरह से जो भी एरिया है उसको डाइवर्सिफाई करेगा फ्रॉम वाटर गजलिंग क्रॉप्स। तो वाटर गजलिंग क्रॉप्स हमें पता है कि राइस वगैरह अगर इस्तेमाल होता है और वीट अगर इस्तेमाल होता है तो वहाँ पे वो वाटर कंज्यूम काफी ज्यादा करते हैं। तो उनका वही है कि कहना है कि इन पर्टिकुलर एरियाज में अगर राइस और वीट का काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो वाटर जो है वो एक तरह से वहाँ का जो ग्राउंड टेबल है वो काफी नीचे चला जाएगा और चला भी जा चुका है ऑलरेडी। तो वही है कि डाइवर्सिफाई करने की बात यहाँ पे बोली गई कि और भी जैसे क्रॉप्स हैं जैसे पल्सेस हो गया या फिर और भी ग्राम या नट्स वगैरह हो गए, तो ये सारी चीजें वहाँ पे उगाने की बात कही गई है। तो यही हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम में आ जाएगा इस पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर। इसके बाद जो इन्होंने बताया है सब स्कीम वह है रिक्लेमेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉइल। तो यहां पे इन्होंने इसको डिस्कस नहीं किया है, पर राउज वाले जो PDF है वहां पे उन्होंने एक थोड़ा बहुत डिटेल दिया हुआ है इसके बारे में, तो वहां देख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है वो फूट एंड माउथ डिजीज के बारे में बताया गया है। तो यह बताया कि हमें एनिमल डिजीज है तो उसके कंट्रोल के बारे में एक तरह से बोला गया है। इसके बाद सैफ्रॉन मिशन के बारे में भी यहां पे बताया गया है, वो भी सब स्कीम है। तो JNK में सैफ्रॉन प्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो यह भी राउज के वाले जो मैगजीन है उसमें वहां पे बताया हुआ है अच्छे से। इसके बाद जो आखिरी सब स्कीम है वह है कि एक्सेलरेटेड फूड डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको स्मॉल में AFDP बोला गया है। और इसका काम यह होगा कि जितने भी फार्मर्स FPOs और कोऑपरेटिव्स हैं जो कि ड्रॉट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक्स में हैं उनको एक तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कैसा होगा, तो 3200 पर हेक्टेयर दिया जाएगा और मैक्सिमम एरिया जो होगा वो 2 हेक्टेयर का ही होगा, मतलब एक तरह से हम समझ सकते हैं कि ये स्मॉल एंड मार्जिनलाइज फार्मर्स को टारगेट किया जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक और चीज बोला गया कि फॉर टेकिंग अप एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ फॉडर, यह इसी लिए दिया जाएगा ताकि वो और भी एक्स्ट्रा प्रोडक्शन कर सके फॉडर का। तो हमने RKBY जो रफ्तार स्कीम है उसको अच्छे से डिटेल में देख लिया है, उसके साथ में अब ये ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया है इसको भी कवर कर लेते हैं साथ के साथ। तो यहाँ पे यह जो पर्टिकुलर स्कीम है इसका यहाँ पे बताया गया इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि राइस और वीट का जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज करना, उसके प्रोडक्शन को भी इंक्रीज करना और उसको और उसके प्रोडक्टिविटी को भी इंक्रीज करना। तो मैंने ये जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का जो डिफरेंस है उसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है पुराने वीडियोज में, तो आप अगर आपको नहीं पता है तो आप प्लीज वो वाले वीडियो जरूर देखें।
और यह जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है यह कैसे बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे इन्होंने वही चीज बताया है कि लेटेस्ट क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करके किया जाएगा। इसके अलावा फिर अब नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम का वह है कि राइस कल्टीवेशन जो है वो फैलो एरिया में भी इंक्रीज करने की बात बोली गई है और प्रमोट करने की बात बोली गई है। इसका बेनिफिट क्या होगा, तो इससे होगा क्या कि जो भी क्रॉप इंटेंसिटी है उसमें इंक्रीज आएगा, और चूंकि क्रॉप इंटेंसिटी में इंक्रीज आएगा तो फार्मर के इनकम में भी इंक्रीज आएगा। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर का क्रिएशन और साथ के साथ जो भी वाटर का यूटिलाइजेशन है, जो वाटर पोटेंशियल का यूटिलाइजेशन है, उसका इफिशियंट यूटिलाइजेशन यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो ये हम देख सकते हैं कि थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है वो वाटर कंजर्वेशन से रिलेटेड एक तरह से हो गया। अब चौथा पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने आखिरी पॉइंट इस पर्टिकुलर स्कीम में बोला है वह है कि टू प्रमोट पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड मार्केटिंग सपोर्ट। तो ये हम समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग सपोर्ट, तो इसलिए उन्होंने इस पर्टिकुलर स्कीम में इस ऑब्जेक्टिव में डाला हुआ है इसको। तो अब आते हैं हम लोग साइलेंट फीचर्स पे। तो साइलेंट फीचर्स में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यह जो पर्टिकुलर स्कीम है यह 2010-11 में लॉन्च हुआ था, और इसका काम क्या था, तो यह उन कंस्ट्रेंट्स को एक तरह से एड्रेस करने के लिए है जो कि राइस बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम के कारण आता है प्रोडक्टिविटी में। और यहाँ पे इन्होंने एरिया भी डिफाइन किया कि कौन से एरिया में, तो यह नाम से ही पता चल जा रहा है ईस्टर्न इंडिया। तो यह जो राइस बेस्ड क्रॉपिंग के कारण जो लिमिटेशंस आती हैं प्रोडक्टिविटी में यह ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स में इन्होंने बताया है, और इसमें टोटल 7 स्टेट्स का नाम है और यह ध्यान रखने की जरूरत है। तो कौन से 7 स्टेट्स हैं, तो असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश जो कि पूर्वांचल बोलते हैं, और वेस्ट बंगाल। तो ये सारी जो स्टेट्स हैं आप समझ सकते हैं कि ईस्टर्न इंडिया के ही हैं, तो आपको याद रखने में भी ज्यादा परेशानी नहीं होगी। बट वही है कि आप यहां याद रखिएगा कि असम भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यह हो गया पॉइंट। इसके बाद इन्होंने बताया है कि और भी कई सारे इनिशिएटिव्स हैं जो इस स्कीम के अंदर में हैं। तो कौन से हैं उसका नाम हम लोग देख लेते हैं। तो ब्लॉक और क्लस्टर डेवलपमेंट ऑफ इंप्रूव्ड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, तो यह हो गया कि हम समझ सकते हैं कि जो ब्लॉक लेवल पे और क्लस्टर डेवलपमेंट के बेसिस पे ये लोग प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात कह रहे हैं, और ये एक अच्छा अप्रोच है क्योंकि लोकल लेवल पे ही जो भी प्लानिंग की जानी चाहिए वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो वो फायदेमंद रहता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पे कि एसेट बिल्डिंग एक्टिविटीज फॉर फार्म इंप्रूवमेंट, और ऑब्वियसली हम समझ सकते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा तो फार्म प्रोडक्शन भी इंप्रूव हो जाता है। तीसरा पॉइंट है यहाँ पे साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज फॉर फार्म रिनोवेशन, तो यहाँ पे बताया गया है कि कोई पर्टिकुलर अगर फार्म लैंड है तो वहां पे अगर कोई जरूरत पड़ रही है रिनोवेट करने की, चीजों को अगर बदलने की, जैसे फॉर एग्जांपल पॉन्ड की खुदाई हो गई या फिर वेल्स की खुदाई हो गई, तो ये सब जो साइट स्पेसिफिक एक्टिविटीज है यह भी हेल्प करेगा प्रोडक्शन में। और चौथा पॉइंट यहाँ पे बताया कि सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह की सीड दिए जा रहे हैं, सर्टिफाइड सीड है या नहीं, या वो फार्मर द्वारा उगाए हुए सीड्स हैं, तो यहाँ पे यही है इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव को इंक्लूड किया गया है जिससे प्रोडक्शन बढ़ सके। और आखिरी जो इंपॉर्टेंट है वो है कि मार्केटिंग सपोर्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, तो यह हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव में भी मेंशन था और यह कितना इंपॉर्टेंट है यह हमें भी पता है, क्योंकि इससे ही फार्मर जो है वो मार्केट में ही बेचता है, और पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट काफी ज्यादा जरूरी है जिससे उनका जो भी प्रोडक्शन है वो बर्बाद ना हो। तो ये दोनों स्कीम को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंट और भी जो पीडीएफ हैं उसमें देखते हैं कि क्या दिया हुआ है डिटेल्स। तो शंकर के पीडीएफ में यहाँ पे इन्होंने बताया है कि वही चीज सेम टू सेम स्टार्ट वही उन्होंने किया है कि यह एक ऑनगोइंग सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, तो यह इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया है। और यह कब स्टार्ट हुआ था, तो 11th फाइव ईयर प्लान पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो वहां पे उन्होंने बता दिया था कि 2007 में हुआ था और यहाँ पे 11th फाइव ईयर प्लान पीरियड बताया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन यह भी आ सकता है कि यह पर्टिकुलर स्कीम कौन से प्लान पीरियड में स्टार्ट हुआ था, तो उसमें आपको हो सकता है कि थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए समझने में। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे इन्होंने बताया कि इट विल इंसेंटिवाइज स्टेट्स इन एनहांसिंग मोर एलोकेशन टू एग्रीकल्चर, और मेन जो नेशनल प्रायोरिटी क्या रही है, तो टू अचीव 4% ग्रोथ रेट एग्रीकल्चर में, 4% ग्रोथ रेट को एक तरह से अचीव करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां पे विजन में मेंशन नहीं था, तो यहां से हम ये वाला उठा सकते हैं। साथ ही यहां पे फंडिंग पैटर्न बताया, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो प्रिपरेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट एग्रीकल्चर प्लान्स होंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये मैंडेटरी है। और इसका काम क्या होगा, और भी काम क्या होगा, तो ये इनकरेज करेगा कन्वर्जेंस विद अदर प्रोग्राम जैसे नरेगाज हो गया, इन सारी चीजों के साथ। तो वही है कि इन टैंडम डिफरेंट स्कीम्स के साथ और डिफरेंट प्रोग्राम्स के साथ भी यह मिलकर काम करेगा यह पर्टिकुलर स्कीम। अब इसके बाद इन्होंने सब स्कीम्स को डिस्कस किया है, तो सब स्कीम्स में इन्होंने दो एक्स्ट्रा सब स्कीम्स बताया है, वो है बी कीपिंग और टारगेटिंग राइस फेलो एरियाज। तो ये दो जो एक तरह से मतलब सब स्कीम्स थे वो वहां पे इंक्लूडेड नहीं था विजन में, तो यहां से हम लोग ये उठा सकते हैं। तो शंकर के पीडीएफ में सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन था, अब हम लोग राउज के पीडीएफ में देखते हैं। तो यह है राउज का पीडीएफ और हम देख सकते हैं आरकेवीआर रफ्तार यहाँ नीचे को दिया हुआ है। अब एक सेकंड मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पे कौन सा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बाकी अगर स्टार्टिंग देखिएगा तो सेम टू सेम फंडिंग पैटर्न भी सेम टू सेम बताया हुआ है, की फीचर्स भी सेम टू सेम है। बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि मेजर फोकस जो है वो प्री और पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगा, तो ये भी हम लोगों ने देखा था विजन के डॉक्यूमेंट में। अब यहाँ पे इन्होंने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट PPPIAD इसको यहाँ पे एक तरह से थोड़ा एलैबोरेट करके बताया है। तो इसका काम क्या होगा इसको देखते हैं।
तो यह जो पर्टिकुलर स्कीम है, तो इसमें यहाँ पे इन्होंने बताया कि यह फैसिलिटेट करेगा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट्स जो कि प्राइवेट सेक्टर करेंगे। और इनका व्यू क्या होगा, तो जो भी फार्मर्स होंगे या एग्रीगेटिंग फार्मर्स होंगे, यहाँ पे इन्होंने वही बताया कि उनको एक तरह से सपोर्ट दिया जाएगा एग्रीकल्चर सप्लाई चेन में इंटीग्रेट होने के लिए, साथ के साथ फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड किया जा सकता है RKVY के द्वारा। और यहाँ जो है डायरेक्ट सुपरविजन किसका होगा, तो स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और कौन और करेगा, तो साथ के साथ जो नेशनल लेवल के जो भी लेवल के एजेंसीज होंगे वो भी स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। अब इसका फीचर भी यहाँ पे इन्होंने बताया, डिस्कस किया हुआ है। तो मेन फीचर्स क्या हैं इस पर्टिकुलर एक तरह से स्मॉल स्कीम के, अब ये हम लोगों ने विजन के डॉक्यूमेंट में मिला नहीं था, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे डिस्कस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वही बताया कि जो भी कॉर्पोरेट होंगे वो प्रपोज करेंगे इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह, और यह प्रोजेक्ट जो है वो टारगेट करेगा एटलीस्ट 5,000 फार्मर्स को एक बार में। और प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल भी यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 to 5 ईयर्स होने वाला है। इसके अलावा यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं कि जो कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी होगा जो भी प्राइवेट सेक्टर होंगे उनको डिजाइन बनाने में, और गवर्नमेंट जो है उसका सपोर्ट जो है वो 50% ऑफ द ओवरऑल पर फार्मर इन्वेस्टमेंट जो है एक तरह से कैप लग गया इनके ऊपर। और एक और सीलिंग है जो वो है कि 50,000 पर फार्मर इतना ही दे सकते हैं गवर्नमेंट। तो ये हो गई चीजें। अब यहाँ पे आगे फिर इन्होंने डिस्कस किया है, यहाँ पे की इंटरवेंशन है, तो ये हम लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं कि मोबिलाइजिंग फार्मर, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन, वैल्यू एडिशन, मार्केट सॉल्यूशंस, ये हम लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट के में ही इंक्लूड हो जाएगा। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही प्रपोज कर सकता है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट जो है प्रपोज करने का काम स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकता है, साथ के साथ स्मॉल फार्मर एग्री बिजनेस कंसोर्टियम भी कर सकता है, जिसको शॉर्ट में SFAC बोलते हैं। अब SFAC है इसका जो इसको डिजाइनेशन दिया गया है एज अ नेशनल लेवल एजेंसी, और किसने दिया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन। तो ये हमें पता है कि डिपार्टमेंट है, दो डिपार्टमेंट है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के, तो उसमें से एक किया है, और इन्होंने ही इसको एक तरह से डिजिग्नेट किया है एज अ नेशनल लेवल एजेंसी, किसको, SFAC को, ठीक है। तो यह जो स्कीम है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अभी इन्होंने बताया है RKVY रफ्तार के अंदर में जो सब स्कीम्स हैं उसको, तो यहाँ पे जो ब्रिगिंग ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ ईस्टर्न इंडिया, तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो सैफ्रॉन मिशन जो है वो वहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो सैफ्रॉन मिशन का यहाँ पे इन्होंने बताया कि इट वॉज इनिशिएटेड इन 2010-2011, और इसका काम क्या है, तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में सैफ्रॉन कल्टिवेशन का रिवाइवल, ठीक है। तो ये छोटा सा लाइन है, इसको इतना याद रख सकते हैं हम लोग। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोग्राम जो है ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि इसका लॉन्च जो है वो एक तरह से ऐसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए जिससे जो भी फार्मर्स है वो अल्टरनेटिव क्रॉप्स को चूज कर सकें। तो यहां पे ये हो गया। इसके अलावा रिक्लेमेशन और प्रॉब्लम सॉइल्स के बारे में है, तो ये विजन में नहीं डिस्कस किया था, तो यहां पे वही बताया कि जो भी सॉइल की फर्टिलिटी या प्रोडक्टिविटी होगी उसको एनहांस किया जाएगा, जिससे जो भी मतलब कंट्री का फूड ग्रेन्स का डिमांड है उसको मीट किया जा सके। तो यहां पे वही हमें पता है कि सॉइल का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है एग्रीकल्चर में, तो इस कारण से यह जो एक तरह से सब स्कीम है इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा फूड एंड माउथ डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, यहाँ वहां पे विजन में दिया हुआ था पर वहां पे डिटेल नहीं था, तो यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एंड कंटेनमेंट ऑफ दिस एनिमल डिजीज, जिससे जो भी एनिमल्स इन्वॉल्व होंगे एग्रीकल्चर में तो उनको ज्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा फिर यहाँ पे आगे बताया एडिशनल फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो इसका काम क्या होगा, तो इट विल मिटिगेट द इंपैक्ट ऑफ ड्रॉट ऑन लाइफ स्टॉक्स, ठीक है। अब वही है कि फॉर्डर उनको मिलते रहेगा, तो जो भी लाइफ स्टॉक के ऊपर में प्रेशर बनता है ड्रॉट के पीरियड में, तो वो एक तरह से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। इसके अलावा फिर यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान के बारे में भी बताया गया है, तो इसका काम क्या होगा, तो जो भी सॉलिड और लिक्विड वेस्ट प्रोड्यूस होगा एग्रीकल्चर के थ्रू, तो उसको मैनेज करने की बात कही गई है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्कीम फॉर ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज, तो इसका काम क्या होगा, तो यह वो इशू को एड्रेस करेगा जो कि मोस्ट वल्नरेबल ड्रॉट प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में होगा, जो कंट्री में है हमारे, तो उसमें एक तरह से काम करेगा, यह इंटरवेंशन का काम करेगा, जिससे यह प्रॉब्लम जो है ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज का उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। और आखिरी जो सब स्कीम है यहाँ पे उन्होंने बताया कि पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर, तो पेरी अर्बन हॉर्टिकल्चर क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है ग्रीनिंग द सिटीज, या जो भी सिटी के वेस्ट है उसका यूटिलाइजेशन, या फिर जो भी मतलब सिटी के फूड और न्यूट्रिशन का जो नीड है उसको फुलफिल करना, साथ के साथ यहाँ पे इन्वायरमेंट का भी प्रोटेक्शन है और उसको प्रमोट करना भी है। कैसे, तो फ्रूट फ्लावर वेजिटेबल्स मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का कल्टीवेशन सेलेक्टेड सिटीज में। तो ये हम देख सकते हैं कि जितने भी सब स्कीम्स है उसको हम लोगों ने देख लिया, और यह जो RKVY रफ्तार स्कीम है इसको हम लोगों ने काफी डिटेल में देख लिया। अब इनसाइट में यह पर्टिकुलर स्कीम इन्होंने डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए हम लोग वहां पे नहीं देखेंगे। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्कीम पर एक तरह से शिफ्ट करते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम है वो है सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस पे अगर देखा जाए तो इस पे UPSC पे एक क्वेश्चन भी आया हुआ है, जो इस वीडियो के एंड में मैं डिस्कस कर लूंगा। तो आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि यह जो पर्टिकुलर स्कीम है इसको अच्छे से आपको कवर करने की जरूरत है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनते भी हैं और आगे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और यहाँ पे वही है ऑब्जेक्टिव और सैलेंट फीचर्स के तौर पर इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ जो सबसे पहला पॉइंट है, यह विजन के डॉक्यूमेंट में ऐसा बोल रहे हैं कि टू इश्यू सॉयल हेल्थ कार्ड्स एवरी 2 ईयर्स टू ऑल फार्मर्स। अब यहाँ पे इन्होंने एवरी 2 ईयर्स मेंशन किया है, पर
अगर देखा जाए बाकी डॉक्यूमेंट्स आप देखिएगा या बाकी सोर्सेस से देखिएगा तो वहां पे बताया गया है कि वंस इन एवरी थ्री ईयर, ठीक है, तो वंस इन एवरी थ्री ईयर याद रखिएगा रादर देन ये वाला पॉइंट याद रखने की, क्योंकि मैक्सिमम जगह पे यही लिखा हुआ है कि वंस इन एवरी थ्री ईयर। तो यहाँ पे वही है कि सॉयल हेल्थ कार्ड जो इशू किया जाएगा वंस इन एवरी थ्री ईयर, और साथ के साथ यहाँ पे इन्होंने यह भी बताया कि इसका आगे का काम क्या होगा, मतलब आखिर ये जो सॉयल हेल्थ कार्ड है ये इशू क्यों किया जाएगा। तो यहाँ पे वही है कि ये बेसिकली जो भी सॉयल में न्यूट्रिएंट डिफिशियंसीज हैं और फर्टिलाइजेशन प्रैक्टिसेज में जो भी एक तरह से इश्यूज हैं, तो उन सारी चीजों का एड्रेस करने के लिए ये सॉयल हेल्थ कार्ड जो है ये इशू किया जाएगा, ठीक है। आगे हम डिटेल में देखेंगे कि इस सॉयल हेल्थ कार्ड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव यही हो गया कि सारे फार्मर्स को इशू करना है, और यहाँ ऑल फार्मर्स लिखा है तो ऑल फार्मर्स होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया है कि यह और क्या काम करेगा, तो यह डेवलप करेगा और स्ट्रेंथन करेगा जो भी सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज के फंक्शनिंग है उसको। तो हमें पता है कि जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वही एक तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड वगैरह जो है वो इशू करेंगे, तो यहां पे वही है कि उनके डेवलपमेंट और स्ट्रेंथनिंग की बात कही गई है। और इसके अलावा यहां पे इन्होंने बताया है कि यह जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को स्ट्रेंथन करने की बात है, यह कैसे किया जाएगा, तो इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी, साथ के साथ जो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट भी होगा, और इसके बाद इसको लिंकेज भी किया जाएगा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च से, और साथ के साथ जो स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ। तो यह जो इंस्टीट्यूट्स हैं और जो भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं, यह क्या करेंगे, तो यह इनपुट प्रोवाइड करेंगे सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज को, और फिर होगा क्या, तो उनमें उनका उनके फंक्शनिंग में डेवलपमेंट होगा और साथ के साथ वो स्ट्रेंथन भी हो जाएंगे। तो यह दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट जो इन्होंने बताया है कि डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल स्टाफ जो होंगे उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की भी बात कही गई है। और इसके अलावा यहां पे एक और चीज बोला गया है कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो होंगे उनके बीच में न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का भी प्रमोशन किया जाएगा, साथ के साथ फर्टिलाइजर का बैलेंस यूज कैसे किया जाता है वो भी बताया जाएगा। तो तीसरा भी इंपॉर्टेंट हो गया कि स्टाफ लेवल जो है उनकी कैपेसिटीज को बिल्ड किया जाएगा, और साथ के साथ जो फार्मर्स हैं उनकी कैपेसिटीज और उनके नॉलेज को भी बिल्ड किया जाएगा। तो ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट जो आखिरी है यह है कि टू इंश्योर एडिशनल इनकम, हमें पता है कि फार्मर्स पैसे नहीं होते तो उनका एडिशनल इनकम की जरूरत होगी, तो यहां पे वही है कि चौथा पॉइंट सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में यही है कि एडिशनल इनकम को भी इंश्योर करेगा। कैसे करेगा, तो यील्ड्स को इंक्रीज करके। तो हमें पता है कि अगर सॉइल का जो भी एक तरह से बनावट है या उसकी फर्टिलिटी है अगर उसको एसेस कर लिया जाए और उसमें कौन सा क्रॉप उगाना सही रहेगा, तो इससे होगा क्या कि यील्ड बढ़ेगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जो पर्टिकुलर सॉइल जो है वो जिस तरह का क्रॉप को सपोर्ट करेगा तो वो अगर उगाएंगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा उगेगा। तो यही यहां पे रिसर्च का यही बेनिफिट मिल जाएगा कि यील्ड जो है वो बढ़ जाएगी, और साथ के साथ यहां पे इन्होंने यह भी बोला है कि सस्टेनेबल फार्मिंग को भी यहां पे इन्होंने प्रमोट करने की बात कही गई है, कि जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सारा फर्टिलाइजर डाल दिया या बहुत सारा पेस्टिसाइड डाल दिया, ऐसा नहीं है, इस तरह के फार्मिंग टेक्निक को यूज करना है जो कि सस्टेनेबल हो, जिससे सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो भी बनी रहे। तो ये चारों ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। इसके बाद अब हम लोग सैलिएंट फीचर्स देखते हैं। तो सैलिएंट फीचर्स में यहां पे इन्होंने स्टार्ट वैसे ही किया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है और इसका लॉन्च जो है वो 2015 में किया गया था, ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पर यहां पे इन्होंने फंडिंग पैटर्न नहीं बताया, तो हम लोग जब दूसरी डॉक्यूमेंट को कवर करेंगे तो वहां पे उन्होंने फंडिंग पैटर्न को एकदम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है। तो जो सॉयल हेल्थ कार्ड है वो इशू किया जाएगा फार्मर्स को, तो इसके अंदर क्या होगा, तो क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन होगा कि उसमें न्यूट्रिएंट कितना मतलब हो सकता है अगर कोई पर्टिकुलर क्रॉप उगाया जा रहा है तो, या फिर फर्टिलाइजर मतलब कितना अमाउंट में लगेगा, और या फिर उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल फार्म में कितना लगेगा, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हो गई कि क्रॉप वाइज रिकमेंडेशन होता है इस सॉयल हेल्थ कार्ड में, न्यूट्रिएंट भी बताते हैं और साथ के साथ फर्टिलाइजर कितना लगने वाला है यह भी बताते हैं, और ये फार्मर्स को दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई फार्मर चाहे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राइस वीट ये सब चीजों से रिलेटेड होगा, अगर कोई फार्मर चाहे कि पर्टिकुलर क्रॉप से रिलेटेड तो वो रिकमेंडेशन मांग सकता है कोई एडिशनल क्रॉप से और ऑन डिमांड, ठीक है, डिमांड करके, जैसे अगर उसको सोयाबीन उगाना है तो सोयाबीन से रिलेटेड वो मांग सकता है कि मुझे रिकमेंडेशन चाहिए इस पर्टिकुलर एडिशनल क्रॉप जो कि सोयाबीन है इससे रिलेटेड, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूट्रिएंट्स लगने वाले हैं और फर्टिलाइजर्स लगने वाले हैं इसके बारे में बताइए, ठीक है, तो वो सॉइल हेल्थ कार्ड में मेंशन हो जाएगा। फिर यहां पे इन्होंने आगे जो पॉइंट बताया है वो है कि कौन एनालाइज करने वाला है, तो एक्सपर्ट जो है वो एनालाइज करेंगे सॉइल के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को, और जो भी डेटा वो कलेक्ट करेंगे फार्म से उसके बेसिस पे ही वो मेजर सजेस्ट करेंगे कि आखिर वो पर्टिकुलर सॉइल को किस तरह से डील किया जाएगा और कौन सा पर्टिकुलर क्रॉप जो है उसमें उगाया जा सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसी के बेसिस पे जो है वो आपका सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम जो है वो पूरी तरह से फंक्शन करेगा, और इसी रीजन से जो सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये हो गया पॉइंट कि एक्सपर्ट्स एनालाइज करेंगे। अब जो चौथा पॉइंट यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आखिर कौन सा जो मतलब चीजें हैं जो सॉइल का वो चेक होने वाला है जिससे हमें सॉइल का स्टेटस पता चले, तो यहाँ पे 12 पैरामीटर्स
हैं, टोटल 12 पैरामीटर्स हैं। ये नंबर याद रखिएगा कि टोटल 12 पैरामीटर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे अगर क्वेश्चंस देखिएगा तो उसमें स्टेटमेंट में हो सकता है कि 11 पैरामीटर्स या 10 पैरामीटर लिखा हुआ हो, तो याद रखिएगा कि टोटल 12 पैरामीटर्स हैं, ठीक है। अब 12 पैरामीटर्स में क्या क्या है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस पर भी हो सकता है कि मतलब एक ट्रैप बनाया जा सकता है आपके लिए। तो यहाँ पे 12 पैरामीटर्स में आपको इसको चंक्स में याद रखिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होंगे, तो कौन से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, तो तीन हो गए, अब बचे नौ। तो बाकी में यहाँ पे सेकेंडरी न्यूट्रिएंट में यहाँ पे सल्फर हो गया, ठीक है, तो चार हो गए यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, तो जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरोन, ठीक है। तो ये पांच हो गए आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, तो फाइव और यहाँ पे फोर हम लोगों ने ऑलरेडी कवर किया था, तो नाइन हो गए। तो कौन से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरोन, ठीक है। अब बचे तीन और, तो तीन में यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स है। फिजिकल पैरामीटर्स जैसे सॉयल का पीएच हो गया, अब ईसी, ईसी का फुल फॉर्म यहाँ पे इन्होंने नहीं दिया है, पर ईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। तो ये सॉइल का एक पैरामीटर है, तो वो हो गया फिजिकल पैरामीटर, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया ईसी, और ओसी हो गया ऑर्गेनिक कार्बन कितना है सॉइल में, ठीक है। तो ये तीन हो गए, ये टोटल जो 12 पैरामीटर है इसको आप ध्यान रखिएगा और इसको चंक्स में याद रखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट और फिजिकल पैरामीटर्स, ठीक है। ये 12 पैरामीटर हो गए और इसी के बेसिस पर जो सॉइल का स्टेटस है उसको एक तरह से ट्रैक किया जाता है या बताया जाता है। अब आगे यहां पे इन्होंने बताया कि एसएचसी प्रोवाइड्स टू सेट्स ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन फॉर सिक्स क्रॉप्स, ठीक है। छह क्रॉप के लिए जो है सॉइल हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करता है फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, दो सेट का एक तरह से हो गया। तो दो सेट कैसे होंगे, तो यहां पे तीन जो है वो खरीफ क्रॉप के लिए प्रोवाइड किया जाता है और तीन जो है वो रबी क्रॉप के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो अभी यहां पे इन्होंने खरीफ और रबी मेंशन किया है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि खरीफ कब, कौन से सीजन में उगाया जाता है और रबी कौन से सीजन में उगाया जाता है, क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो फिर आप लोग क्या करोगे। तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए, मेहनत करिए, गूगल करिए, अगर आता है तो ऐसे बताइए, नहीं तो गूगल करके बताइए, ठीक है। तो यहां पे और भी क्या चीज इंक्लूड होती है ये दो सेट ऑफ फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन में, तो इसमें रिकमेंडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर्स का भी बताया जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। इसके अलावा फिर यहां पे इन्होंने बताया है कि फार्मर्स जो हैं वो भी चाहें तो ट्रैक कर सकते हैं सॉइल सैंपल्स को एसएचसी पोर्टल पे, ठीक है। एसएचसी पोर्टल भी एक प्रोवाइड किया गया है और फार्मर्स चाहें तो वहां पे जाकर जो भी सॉइल सैंपल है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि कितना प्रोसेसिंग हुआ है और कब तक उनको जो भी डेटा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यहां पे इन्होंने ये भी बताया है कि इसी स्कीम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ हेल्थ कार्ड ही प्रोवाइड किया जा रहा है, यहां पे एक और चीज यहां पे बोली गई है कि जो भी विलेज यूथ या फार्मर होंगे जो कि 40 साल से कम एज के होंगे उनको वो एलिजिबल होंगे, चाहे तो वो सॉइल हेल्थ लेबोरेटरीज को एक तरह से सेटअप कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई कि फार्मर को सिर्फ कार्ड नहीं दिया जाएगा, फार्मर को सॉइल का जो हेल्थ है उसको एक तरह से असेस करने के लिए लेबोरेटरी सेटअप करने का भी एक तरह से चांसेस दिया जाएगा, और ये सिर्फ यंग विलेजर्स को, यंग विलेजर्स या फिर फार्मर जो कि 40 साल से कम एज के हैं उन्हीं को मिलेगा ये। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉइल हेल्थ कार्ड ही रिलेटेड है, यहां पे लेबोरेटरीज की बात भी कही गई है। अब यहां पे आगे इन्होंने बताया कि असिस्टेंस क्या दिया जाएगा फार्मर्स को, तो असिस्टेंस इज प्रोवाइडेड टू फार्मर्स इन द फॉर्म ऑफ, यहां पे बताया कि 2500 पर हेक्टेयर, 2500 पर हेक्टेयर दिया जाएगा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो जो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमने देखा तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए 2500 पर हेक्टेयर, और जो नेक्स्ट पॉइंट है कि मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब्स को अगर सेटअप करना है तो उसके लिए भी असिस्टेंस दिया जाएगा फार्मर्स को, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब आखिरी जो पॉइंट यहां पे इन्होंने बताया है वो एक पायलट प्रोजेक्ट के बारे में बताया है कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेजेस के बारे में यहां पे इन्होंने बताया। तो इसका काम क्या होगा, तो इस पायलट प्रोजेक्ट में बेसिकली हुआ क्या, तो हुआ ये कि जो भी सॉइल सैंपल का कलेक्शन हुआ वो ग्रिड लेवल के हिसाब से नहीं हुआ, जो सैंपल कलेक्शन हुआ वो ग्रिड के हिसाब से नहीं हुआ, रादर देन वो इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग के हिसाब से हुआ। तो यहां पे देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ग्रिड को एक या पर्टिकुलर मोहल्ले या पर्टिकुलर एरिया को उन्होंने सैंपल कलेक्ट कर लिया और फिर बोल दिया कि जितने भी फार्मर्स इस पर्टिकुलर ग्रिड में है उनको यही पर्टिकुलर चीज उगानी है या तुम्हारे सॉइल का यही हालत है, रादर देन यहां पे किया कि डेवलपमेंट ऑफ मॉडल विलेज के अंदर में इन्होंने इंडिविजुअल फार्म होल्डिंग का चेक किया, सॉइल सैंपल्स, और उनको फिर एक तरह से इंडिविजुअली एक तरह से बताया कि आपके ये इस पर्टिकुलर खेत में इतना कम है और दूसरे पर्टिकुलर खेत में इतना कम है। तो ये देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छा मूव है क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे फार्मर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो यह जो पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड विजन में इतना ही इन्फॉर्मेशन है। अब हम लोग शंकर के डॉक्यूमेंट में देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। तो यह है शंकर का डॉक्यूमेंट और हम यहाँ पे देख सकते हैं जो एक चीज वहां पे मिस हो गई थी कि यह लॉन्च किया गया है 2015 में, पर कहाँ लॉन्च हुआ था सबसे पहले, तो यह राजस्थान में हुआ था। तो यहाँ पे आपको ट्रैप किया जा सकता है कि स्टेट का नाम चेंज करके या महाराष्ट्र वगैरह दे सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि लॉन्च हुआ था कहाँ, 2015 में राजस्थान में। फिर आगे इन्होंने वही चीज बताया कि रिकमेंडेशन ऑन अप्रोप्रिएट डोजेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स दिया जाएगा जिससे सॉइल की हेल्थ जो है वो बढ़े और फर्टिलिटी भी बढ़े। अब यहाँ पे इन्होंने अच्छे से मेंशन किया है कि इट इज इशूड वंस इन एवरी थ्री ईयर्स, वहां पे टू ईयर्स दिया था जो कि मेरे ख्याल से गलत है, या वंस इन एवरी
एवरी 3 ईयर्स एक तरह से यह कार्ड जो है वो इशू किया जाता है, जिसमें न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के बारे में जो भी चीज़ें हैं वो बताई जाती हैं। इसके अलावा अब ये सारी जो चीज़ें हैं एम वगैरह ये मेरे ख्याल से उतनी ज़रूरत नहीं है। हाँ यार, ये वाला पार्ट जो है याद रखने की ज़रूरत है कि इसका सेकंड फेज जो है वो मई 1 को स्टार्ट हुआ था 2017 में और यह कंटिन्यू किया 2019 तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ बोली है कि अभी जो है इसका फंडिंग पैटर्न जो है इसको चेंज किया गया है और इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर करने जा रही है, और किसके अंडर, तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर में। इस पर्टिकुलर को हम लोगों ने स्कीम को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जो फंडिंग पैटर्न है उसको देख लेते हैं, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट्स हैं वहाँ पे 90-10 के रेशियो में रहेगा, 90% सेंटर और 10% नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन स्टेट, और जो जनरल स्टेट्स होंगे वहाँ पे 60-40 का रेशियो रहेगा। और वही अगर यूटीज के केस में देखा जाए तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100% बियर करेगी जो भी एक्सपेंसेस हैं। तो इसके बाद राउज के डॉक्यूमेंट में देख लेते हैं, तो राउज के डॉक्यूमेंट में देखिएगा तो आपको सेम टू सेम यहाँ पे डिटो सेम चीज फंडिंग फाइनेंसिंग मेंशन किया हुआ है, और इसके अलावा जो यहाँ पे फीचर्स हैं वो भी दिया हुआ है, और ऊपर भी आपको दिखा देता हूँ कि और भी क्या डिटेल है। तो और भी डिटेल में यहाँ पे वंस इन एवरी 3 ईयर्स बताया हुआ है इन्होंने, तो 3 ईयर्स वाला जो आप पर्टिकुलर क्राइटेरिया या बिल्कुल ध्यान में रखें। और इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने बताया कि 12 पैरामीटर्स, तो ये आपको मैंने ऑलरेडी याद करवा दिया है, और वही इसी बेसिस पर जो है रिपोर्ट तैयार होता है, और जो सॉयल हेल्थ कार्ड है उसका स्टेटस बताया जाता है पर्टिकुलर सॉयल का। इसके बाद अगर इनसाइड का आप डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इनसाइड के डॉक्यूमेंट में इन्होंने यह बताया कि सेकेंड फेज ऑफ जो स्कीम था इम्प्लीमेंटेशन का, जो 2017 से 2019 तक का था, तो इसमें इन्होंने 11.69 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड जो है वो इशू किया फार्मर्स को इन दो सालों में। तो यह जो नंबर है इसको आप ध्यान रख सकते हैं। फिर इसके बाद यह भी बोला है कि यह जो स्कीम है यह मतलब हेल्प किया है इन द डिक्लाइन ऑफ 8-10% इन द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो हमें पता है कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का प्रमोशन करना भी इस पर्टिकुलर स्कीम का ऑब्जेक्टिव रहा है, तो इस कारण से केमिकल फर्टिलाइजर का जो यूज है उसमें 8-10% का डिक्लाइन आया है, और साथ के साथ प्रोडक्टिविटी में भी 5-6% की इंक्रीज हुई है। तो यह भी एक ऑब्जेक्टिव था, तो एक तरह से यह जो पर्टिकुलर स्कीम है यह अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने में सफल रहा है। और इसके अलावा फिर आगे इन्होंने डिस्कस किया है कि अबाउट द स्कीम, तो यह सारी चीजें जो डिटेल्स है यह हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है, और यहां पर फिर वही 12 पैरामीटर्स के बारे में बताया है। और यहां पर इन्होंने एक चीज और बताई है कि इस पर्टिकुलर जो सॉयल हेल्थ कार्ड है इसमें फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन, तो यह भी हम लोगों ने देख लिया था कि 2 सेट का फर्टिलाइजर रिकमेंडेशन था वहां पर, और इसके अलावा सॉयल अमेंडमेंट जो कि चाहिए होगा, मतलब सॉइल में जो भी चेंजेस करना होगा पर्टिकुलर फार्म से रिलेटेड, तो उसका भी बताया गया कि क्या बदलाव किया जा सकता है। तो यह जो सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम है यह हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 3 स्कीम्स को डिस्कस किया, RKBY रफ्तार, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, और इसके अलावा सॉयल हेल्थ कार्ड। तो सॉयल हेल्थ कार्ड के ऊपर में ही हम देख सकते हैं कि यह पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है यह यूपीएससी 2017 में पूछा गया था। तो अब आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा कि कोई भी स्कीम अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो कितना इंपॉर्टेंट है, और आपको यह पर्टिकुलर अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि थोड़े डीप में भी पढ़ने की भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं होगी तो उस केस में आप क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर पढ़ा हुआ जो होगा वो एक तरह से बेकार ही हो जाएगा। तो इस कारण से हमें जरूरत है कि जो भी स्कीम को हम पढ़ें वो थोड़ा अच्छे से पढ़े और थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ पढ़े। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, और यही क्वेश्चन आपका एक तरह से होमवर्क रहेगा, आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। तो अब मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहां पे बताया गया है द नेशन वाइड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम MSAT, और 3 स्टेटमेंट दिए हैं, एक्सपैंडिंग द कल्टीवेबल एरिया अंडर इरीगेशन, दूसरा स्टेटमेंट इनेबलिंग द बैंक्स टू असेस द क्वांटम ऑफ लोन्स टू बी ग्रांटेड टू फार्मर्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉइल क्वालिटी, और तीसरा स्टेटमेंट चेकिंग द ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इन फार्मलैंड्स। अब इन 3 स्टेटमेंट के बेसिस पर आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होने वाला है। और मेरे ख्याल से जैसा हम लोगों ने जितना डिटेल में पढ़ा है सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम को, तो मेरे ख्याल से सभी लोग इसका करेक्ट आंसर ही करेंगे कमेंट सेक्शन में, और प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को रैप अप करते हैं। तो आई होप आपको ये जो पर्टिकुलर वीडियो है अच्छा लगा होगा, इसमें भी हम लोगों ने 3 स्कीम को एक तरह से कवर किया है और डिटेल में काफी कवर किया है, और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके पास आता है तो मेरे ख्याल से वो गलत नहीं होने वाला है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आप कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना फीडबैक भी दीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये जो वो पर्टिकुलर वीडियो है ये नोट्स है एक तरह से विजन के, राउज के, इनसाइट के और शंकर के, तो उनसे नोट्स बना के भी किया गया है। आप चाहें तो आप एक तरह से अपने जो डॉक्यूमेंट है मैगजीन डॉक्यूमेंट है उसको भी रेफर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ही जगह में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी नोट्स के फॉर्म में। तो चलिए अब मैं विदा लेता हूं आपसे, और स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड।